Turn on notification bell, don't miss updates. I am back. दोस्तों हाजिर हूं मैं आपके सामने कुछ लेमन न्यूज लेकर. सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर है BSNL की तरफ से. इसने भी मुझसे बिना पूछे एक प्लान निकाल दिया है 339 का, और इसमें मिलेगा आपको डेली 2 GB और BSNL टू BSNL फ्री कॉल होंगी. इसके अलावा 25 मिनट मिलेगा आपको डेली और नेटवर्क्स पे कॉल करने के लिए. परंतु ये 3G है. जिन लोगों को हिंदुस्तानी पतियों की तरह बेहद टिकाऊ फोन चाहिए उनके लिए फोन आ गया है S60. भैया ये डस्ट प्रूफ है, ड्रॉप प्रूफ है, पानी के अंदर लेके कूद जाओ 5 मीटर अंदर तक इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसमें एक थर्मल कैमरा है जो 30 मीटर दूर से ही आपको बता देगा कि ऊष्मा का सोर्स कहां से आ रहा है, यानी हीट कहां से आ रही है. इसके अलावा 4.7 इंच की डिस्प्ले है, 3800 mAh की बैटरी है, 13 MP का मेन कैमरा है और 5 MP का फ्रंट कैमरा है, और जो मेन कैमरा है डुअल फ्लैश के साथ है. इसके अलावा स्नैपड्रैगन 617 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और 3 GB की रैम है. इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हो और प्राइस मात्र 64,999 रुपए, 1 रुपए कम 70,000 रुपए का है बस. अगली खबर है व्हाट्सएप के बारे में. ये खबर आपको मिल गई होगी, नहीं मिली तो मैं दे देता हूं कि व्हाट्सएप ने जो अपना स्टेटस अपडेट किया था उसे बहुत गालियां पड़ी थी, तो अकल ठिकाने आ गई है. वो टेक्स्ट वाला स्टेटस वापस ला रहे हैं और नेक्स्ट वीक एंड्रॉइड यूजर्स के लिए आ जाएगा और कुछ दिन बाद iOS यूजर्स के लिए भी आ जाएगा. बीटा यूजर्स के लिए आ चुका है, तो अगर आप चाहते हो अभी से प्रयोग करना तो बीटा यूजर बन जाओ, नहीं तो भैया इंतजार कर लो. कंप्यूटर सिक्योरिटी फर्म चेकपॉइंट के अनुसार व्हाट्सएप और टेलीग्राम की एक ऐसी खामी के बारे में बताया है जिसमें ये कहा गया है कि हैकर्स आपके एनक्रिप्टेड मैसेज में सेंध लगा सकते हैं, घुस सकते हैं, और उसमें घुसने के लिए वो एनक्रिप्टेड मैसेज का उपयोग करते हैं. यानी इनके अनुसार यदि आपसे मैं कहूं कि आपको एक मासूम सा फोटो भेज दिया जाएगा और उसके द्वारा आपका व्हाट्सएप या टेलीग्राम हैक किया जा सकता है जिसमें आपके फोटोज, वीडियोज या चैट्स को चुराया जा सकता है, तो मैं आपको बस ये सलाह देना चाहूंगा क्योंकि ऐसे ऐसे दावे आ रहे हैं, विकीलीक्स का भी आया था, तो सेंसिटिव फोटो शेयर ना करें, सेंसिटिव वीडियो शेयर ना करें. मेरा तो दुनिया पे से विश्वास उठ गया है, मुझे तो लग रहा है मैं हरिद्वार ही चला जाऊं. अंतिम और एक अच्छी खबर यह है कि एक ऐप लॉन्च होने जा रही है फोर मी. ये यंगस्टर्स को डायरेक्ट स्मार्टफोन से ही काउंसलिंग देंगे. आजकल यंगस्टर्स या टीनेजर्स को बड़ी प्रॉब्लम है ना, शोषण हो रहा है उनका बता नहीं पाते, या साइबर बुलिंग हो रही है, या वो आत्महत्या करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो वो इस ऐप में जा सकते हैं, बता सकते हैं, वहां पर उनको काउंसलिंग मिल जाएगी, मदद मिल जाएगी. फिलहाल तो UK के लिए, परंतु आपसे मेरी सलाह है कि आपके घर में जो टीनेजर्स हैं, आपसे छोटे बच्चे हैं, आप ही उनके लिए फोरमी ऐप बन जाओ ना. सुन लो यार उनकी दो बात, बता दो उनको कुछ रास्ता, बड़ी प्रॉब्लम में खोए खोए से रहते हैं. क्या पता आप ही, आपकी दो बातें, आपका कुछ कहा गया शब्द ही उनको इस प्रॉब्लम से बाहर ले आए. दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, और मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि हो सके तो सब्सक्राइब करके जाना. भाई साहब पति भी ना पूरी तरह परेशान है. एक किडनैपर का फोन आता है, कहता है सुनो तुम्हारी पत्नी मेरे कब्जे में है, मैं सबूत के तौर पे 2 उंगलियां भेज रहा हूं. पति कहता है यार उंगली से कंफर्म नहीं होगा, गर्दन भेज गर्दन.